अस्सलाम वालेकुम। अतर मेरे साथ बाग में आता था कभी कभी। उस दिन वो 10 साल का था जब वो यहाँ आया, वो यहाँ पेड़ों के साथ खेलता था। उसने मुझे बताया, पापा मैंने यहाँ अपना नाम लिखा, मैं अब यहाँ भी नहीं आ सकता। जब मैं ये देखता हूँ ये पेड़ों पे उसका नाम, तो मेरा जिगर टुकड़ा टुकड़े मतलब हो जाता है। एक साल में कितना रोया, कितने मतलब मैंने एप्लीकेशन इनको दिया, एसपी से लेकर पीएम तक। मेरा एक ही बेटा था, मैं कहाँ से कहाँ दौड़ा, मतलब मैंने कितना प्रोटेस्ट किया। उस टाइम भी आईजी साहब ने बोला था मुझे सिर्फ 10 दिन लगेंगे। एक साल होने के बाद भी मुझे किसी ने किसी दफ्तर से या किसी जगह से कोई मैसेज नहीं मिली कि आपका बेटा क्या था। आज भी मैं वही डिमांड कर रहा हूँ कि मेरा बेटा तो स्कूल जाता था, उसने तो 4 पेपर दिए थे, लास्ट पेपर उसको 31 दिसंबर को देना था। किस तरह उसको 2 घंटे में ही इंटरोगेशन करके पहले मार दिया गया, फिर उसको वहाँ इनकाउंटर साइट पे HMT में मतलब उस मकान में डाला गया, फिर इसकी डेड बॉडी को ऊपर से नीचे फेंका। मतलब ये हमसे पूछो। हमारे कलेजा मतलब फटने को आता है जब मैं अपने बच्चे की फोटो देखता हूँ, जब मैं उसकी बात सुनता हूँ, या जब मैं उसका वो मार्क्स कार्ड देखता हूँ, जब मैं उसकी तस्वीरें देखता हूँ। एक ही बेटा था मेरा, और किस तरह मैंने उसको पाला। कोई नहीं मुझे चाहिए, जब हमारे इंटरनेशनल के बच्चों को मारा जाएगा, अतर की बाड़ी चाहिए मुझे बस। एजाज की लाश को वापस करो, अतर की लाश को वापस करो, वापस करो। श्रीनगर में भी मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला था कि ये जो मेरे साथ हुआ है कल ये आपके साथ भी हो सकता है, और बिल्कुल उसी तरह हुआ। आज लोगों को समझ आ रहा है कि यहाँ क्या चल रहा है। मैं आज भी वहाँ जाता हूँ अपने मतलब उस कब्र पे जो मैंने अपने हाथ से खोद के रखी है, मैं मतलब इंतज़ार कर रहा हूँ अपने बेटे की। जब मैं PCR गया तो मेरा बेटा सिर्फ मतलब वो तो ओपन मतलब डेड मतलब नंगा ही था, उसका कपड़ा भी इन्होंने छीन लिया इन जालिमों ने। सिर्फ मुझे वहाँ एक जूता मिला और एक कमल जिस पे मतलब खून बहुत लगा हुआ था, वही कमल और जूता मैंने वहाँ दफना दिया। और जो दूसरी साइड मैंने कब्र खोद के रखी है, मैंने उस टाइम भी ऐलान किया कि मैं इसको तब तक खुला रखूँगा जब तक मैं ज़िंदा हूँ, या तो मुझे भी इनकाउंटर करके अपने बच्चे के पास पहुँचा, या मुझे मेरे बच्चे की डेड बॉडी वापस दिया।